शिवपुरी में 7 सितंबर को सीएमएचओ डॉक्टर पवन जैन ने कोतवाली थाना आकर एक आवेदन दिया, जिसमें बताया कि मेरे मोबाइल पर सिद्धिविनायक अस्पताल शिवपुरी का भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण के संबंध में बातचीत का एक वीडियो आया, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच हेतु मेरे द्वारा पीसीपी एनडीटी एडवाइस एक्ट के समक्ष प्राधिकृत अधिकारी से कराने हेतु निवेदन किया। प्रकरण के आरोपी डॉक्टर पति पत्नी मौका देखकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु शिवपुरी एसपी ने 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया। गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर वायरल वीडियो की जांच की गई, जिसमें पता चला कि वीडियो दिल्ली के 2 पत्रकारों और 2 अन्य साथियों द्वारा वीडियो बनाकर हॉस्पिटल संचालक को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की गई, लेकिन जब हॉस्पिटल संचालक द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उक्त वीडियो को वायरल किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली में केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें कि वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें का भ्रूण हत्या के संबंध में बातचीत चल रही थी। उसमें शुरू में 2 नर्स और एक डॉक्टर को मुलजिम बनाया गया था। उस संबंध में जब बारीकी से इन्वेस्टिगेशन में देखा गया तो ये पता चला कि इसमें जो लोग आए हैं वो उनके बारे में जानकारी मिली और उनको यूपी से और हरियाणा से पकड़ा गया है, और वहाँ से 2 महिला और 2 पुरुष इसमें पकड़ा है, जिनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक पर्टिकुलर चैनल के लिए काम करते थे और उसके माध्यम से उन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाएं की हैं, और उसमें करीमनगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में केस रजिस्टर्ड हुआ है, और इसके अलावा गाज़ियाबाद में भी केस रजिस्टर्ड हुए इनके चैनल पर। इसके बाद इनको एक टारगेट किसी ने दिया था, जो एक यहीं का स्थानीय व्यक्ति है, यहाँ का एक पत्रकार, जिसने उनको बताया कि यहाँ पे सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में स्टिंग करना है। इस पर ये लोग यहाँ पे आए थे, एक कार लेके झांसी रुके थे, और वहाँ से आना जाना इन्होंने दो तीन बार किया है यहाँ पे, और स्टिंग किया, और स्टिंग करके इन्होंने उसको पैसे लेने के लिए भी बात की, और उसके बाद हमारे अपने का जो लोकल सहयोगी है उसके माध्यम से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में इनको 4 को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस रिमांड में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे एविडेंसेस भी लिए जा रहे हैं, और साथ में जो आरोपी 2 आरोपी इन्होंने और साथी इनके बताए हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई। सर, राजस्थान के कुछ लोगों को भी ब्लैकमेल किया गया था, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है, ऐसी कोई शिकायत दर्ज हुई है या फिर अभी तक ऐसी कोई शिकायत दर्ज हुई नहीं? अभी हमारे पास राजस्थान को किसी को कुछ किया गया इनके द्वारा ऐसा हमारी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया पिछले 2015-16 से एक पर्टिकुलर चैनल से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट करते रहे, जब तक इनको मौका मिलता है तो ये स्ट्रिंग करते हैं और बाकायदा उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते हैं। जो ब्लैकमेलर्स हैं 2, उनका नाम जो सामने आ रहा है, अभी तक उनमें क्या कार्रवाई की गई? नहीं, अभी तो देखिए 4 लोग तो हमारे केस में 389 बढ़ गया है, इसमें 420 था ही, इसमें और भी एक्ट हैं जो इनके ऊपर हैं ब्लैकमेलिंग के, उस पर इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे तो पूछताछ की जा रही है, इनकी जो साथी हैं इनको पकड़ा जाएगा, और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इनमें कितने लोग हैं, वो जो आरोपी फरार है उसके साथ में कितने लोग जुड़े हुए थे जो इसी बात के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये बात तो सामने आ रही है कि वो ब्लैकमेलिंग के लिए पैसा वो लेने के लिए लगातार लोगों से बात कर रहा था, और इन लोगों को भी ये कह रहा था कि जैसे ही पैसा मिलेगा तो ये 1/3 पैसा इन लोगों को पहुँचा देगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।